बच्चा पूरा जा रहा है, बच्चे का पूरा जा रहा है। अच्छे ढंग से समझे और उसे उनकी जो शिक्षा है उनको ग्रहण करें और अपने जीवन को भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। 300 साल सिखी स्वरूप के नाम क्या क्या पढ़ी आपको, क्या जोर से बोलना, क्या शिक्षा मिली आपको, क्या शिक्षा इसमें मिलती है? शिक्षा मिलती है कि सर हमें भी इस तरह से महान बनना चाहिए। जोर से बोलो, है ना, हमें भी नहीं 300 साल सिक्खी स्वरूप के नाम की आपने क्या पढ़ी, उसमें आपको क्या सुधार मिलता है, आपको क्या शिक्षा मिलती है इनको पढ़ करके? गुरुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है और साथ जोर से बोलना बेटा, इतना बलिदान दिया है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसे ही किसी भी मौके पर बलिदान देना चाहिए। आपने कुछ पुस्तक पढ़ी उसमें आप कैसे शिक्षा मिलती है? हमें तो ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी इनसे भी ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए और इनसे भी ज्यादा हमें ये जो अपने 300 साल गुप्ता जयंती पर जो हो रहा है ये पूरे देश के जो अपनों की तरफ से अलग जगाई जा रही है
सारे बच्चों का है, तो बड़ों के काम कराने से तो बहुत छोटा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे हैं इनके ऊपर जो ये मुहर लग रही है कि हम अपने गुरुओं को जाने, महान पुरुषों को जाने, सारे धर्म के बच्चे आकर के अपने गुरुओं को, अपने इतिहास को जानने की जो सीख ले रहे हैं, ये बातें इन बच्चों के ऊपर ऐसी प्रभाव डालेंगी कि कल चल करके सामाजिक समरूपता के लिए, आपस में एक दूसरे से भाईचारा में रहने के लिए, जाति प्रथा और जितनी और ऐसी चीज़ें हैं आपस में जो मिल बट के नहीं रहते हैं, कभी कभी दंगे फसाद, इन सब के लिए ये नींव का काम करेगी। और ये इतने बच्चे हैं कि हमेशा समाज को जोड़ने का काम करेंगे। तो यही सब हमारे बच्चे जानते हैं, कह नहीं पा रहे हैं उसको भाषा के रूप में। इन सारे बच्चों को ये सीख मिली है और सब महसूस करते हैं कि आज हमने अपने गुरुओं के बारे में जाना, एक छोटा इतिहास जो मुगलों के टाइम का संघर्ष का रहा, या हमारे गुरुओं ने क्या बलिदान दिया, कितना जो है लिखा, क्या इनकी अच्छी बातें हैं, ये सारा बच्चे भी जानते रहे हैं, इसे शब्द रूप में नहीं दे पाए थे। तो ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है और पूरे देश में ये जो अलग जगाई जा रही है, इसका हम सब लोग बहुत तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। और एक बार आप सब लोग जोर से बोलेंगे, बोले सो निहाल। धन्यवाद। इतिहास साढ़े महापुरुषों वालों, भाई सफाई गुरदास सिंह जी वालों जो लहर चल रही है, पिछले बाबा जी की कृपा के नाल 300 साल गुरबाणी कंठ के नाल, 300 साल लिखन भगती के नाल, 300 साल सिक्खी सरूप के नाल, ते हुण चौथी लहर बाबा जी की कृपा के नाल 300 साल सिख इतिहास नाल, जो 350 जून से सारे बच्चों को बुजुर्गों को एक तो लैके 110 साल तक सुनिया जा रहा है, वो गुरु साहब जी की कृपा दे साढ़े शहजानपुर जोन भी बाबा जी मेरे 12 से 13 जोन बने हैं, और उस एक मोहम्मदी जोन भी है जिसे मेन प्रबंधक डॉक्टर चरणजीत सिंह जी खालसा इलैक्ट्रॉनिक्स वाले, खालसा मेडिकल वाले, तो परमजीत सिंह जी खालसा इलैक्ट्रॉनिक्स वाले, जिन्होंने बाबा जी की कृपा के नाल सारा सानू दसवें रूप में भी, तो उन्होंने अपनी तरफ तो यह 2000 किताबा 300 साल सिख इतिहास के नाल दियाँ, 2000 किताबा अपने दसवें चूँ के नाल इश्तहार 2000 ये गुरु साहब जी की कृपा है, इन्होंने अपनी सेवा है पाई है दसवें, इतने भी बाबा जी की कृपा ने मोहम्मदी में घट हुए हैं, 1500 या 2000 बच्चा जिन्होंने भाग लिया है, और बुजुर्ग भी है, मीविया बीबिया भी है, बच्चे भी है, हर किसी ने भाग लिया है। तो गुरु साहब जी की कृपा ने अभी हर किसी को एक सर्टिफिकेट, तो एक कूपन, एक छोटा इनाम बाबा जी की मेहनत ने पेन दे रहे हैं। तो उसके अलावा एक बाबा जी की कृपा से जिथे पिछले बहुत सारी धार्मिक पिछड़ा बनिया ने, वो यह सारा सिलेबस जो 300 साल सिख इतिहास सिलेबस है, ये हम एक पिक्चराइज करता गया जिसका नाम मैं सिखी हाँ रखा गया, तो यह PTC पंजाबी तो सारा PTC न्यूज़ से होर चैनल से भी एडवरटाइजमेंट भी आ रहा है। तो ये वैसे मार्केट 50 रुपए की है, प्लस की तरफ तो 40 रुपए की नौ पफे लॉस से बबू सिंह जी की तरफ तो शमालू कंपनी की तरफ तो बिल्कुल लागत मात्रा रखा गया है। इतने भी बाबा जी की कृपा देना जो पिछली लहर निकली है 300 साल सिक्खी सरूप के नाल भी, और भी बड़े संगत ने, बड़े प्यार ने सानू आप सिख इतिहास का फार्म भी भरया है, ते वो बहुत उत्साह दिखाए हुए थे, बहुत कृपा की है, तो साडे महापुरुषों वालों भाई गुरदास सिंह जी वालों 1 करोड़ 13 लाख के इनाम ने, जिद 8 मारुति कारा होर भी वे इनाम है, छोटा इनाम हर बच्चे है, जो 5 वाइट कूपन प्राप्त कर रहा है उन्होंने एक छोटा इनाम है, वे जो 10 वाइट कूपन प्राप्त कर रहा है उन्होंने 2 इनाम है, जो 15 वाइट कूपन प्राप्त कर रहा है उन्होंने 3 इनाम ने, तो उसके अलावा अगली भी होर उपराले है। तो यह सारा जो है वे जो वे इनाम ने 29 अगस्त में सारा PTC पंजाबी से लाइव होएगा, तो जितनी भी संगत हैगी सारे बेनती हैगी सारे तन मन धन सहयोग बख्शो, तो थोड़ी असीसा की ही लोड़ हैगी है, साडे महापुरुषों भी सानू भी जोन के जितने भी जोन है सारे बेनती हैगी है कि आप जी अपने रूप से जिथे भी है सारे आप जी अपनी कृपा करके तन मन धन किसी चीज़ की लोड़ तो वह आप जी भलाई केंद्र सेवा कर सकते हो,
फोन कर सकते हो ते आप जी सारा जो भी सहयोग है किसी भी रूप में वो लाइक अंदर आप जी कर सकते हो। सारा पीटीसी पंजाबी से ऐड भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, ईमेल भी है। इस बार गुरु साहब जी की कृपा ना विदेशों भी अमेरिका, इंग्लैंड, कैनेडा, मलेशिया, सिंगापुर और कई जगह ये सारा सुनिया जा रहा है। जिन्हों का कोर्स 14-15 16 में रखा गया सी वो गुरु साहब जी की कृपा ना 12 कंप्यूटर लगाए गए हैं, वेब कैमरे थ्रू सारा अच्छा मीडिया का युग है, कंप्यूटर का युग है। वो बच्चों सारे सुन चुके हैं, हूँ उन्होंने आप गुरु साहब जी की कृपा के भाई साहब जी सारा पूरिया के नाम कूपन भेज रहे हैं तो 113 लाख पूरे भी इनाम आए हैं। छोटे इनाम हर बच्चे ने गए, होर भी कई उपराले के छोटी उम्र बड़े कर सिख हैंडीकैप अवार्ड, सावा सूरत सिख शख्सियत अवार्ड, सिक्की शुरू में राष्ट्रीय रूप अवार्ड, और गुरु साहब जी की कृपा ना 14 तारीख न और 15 तारीख न सैप्टेंबर साढ़े महापुरुष सत्कार भाई साहब भाई गुरुबास सिंह जी कुछ शहजानपुर उन्होंने कीर्तन भी है ना, हमारा संचार भी है, जिन्होंने मैं थकना है वो भी आप जी कशिश ना करके ककार बाबा जी की कृपा सारे निष्काम है। दरबार साहब के हेडग्रंथी किया जसविंदर सिंह जी तो भाई जसविंदर सिंह जी माता बाबा जी भलाई केंद्र वाले खुद 16 तारीख में इतना कीर्तन नाल कथा आई संगत निहाल कर। बाकी सारे बेनती हैगी है ये पंजाबी भी हिंदी भी ये गुरु साहब जी की कृपा ना 5 करोड़ का टोटल या 6 करोड़ का खर्चा आया है। 2 करोड़ की करीबन किताबा ही बाबा जी की मेहनत सारी फ्री बनी गई हैं, सारी नो प्रॉफिट सारी फ्री तो जितनी भी उस तरह करीबन 20 लाख किताबा या 16 लाख किताबा छपिया ने तो मोहम्मदी वालों भी 2000 किताबा छपिया गई हैं इश्तहार भी। आप जी सारा तन मन धन सहयोग बख्शो, थोड़ी असीसा की लौड़ संगत असीसा की सारा कुछ है वे आप जी असीस बख्शो दासा नू भी साढ़े महापुरुषों नू भी। बस एक ही जात हैगी है जो आए सो राजी जाए, बस साढ़ा एक ही एम है कि सारी संगत आपस में एक दूजे का बाह फड़ के एक दूजे का सारा प्यार नाल सेवा करिए होर सिक्खी साड़ी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सारे नू फतेह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। जी लहर चलाई है चौथी लहर भाई साहब भाई गोर इकबाल सिंह जी होना ने असी तन मन के नाल बड़ी श्रद्धा के नाल इसका सत्कार करते हाँ, क्योंकि साढ़े जिहड़े सिख विरसा सिख बच्चे हैं वो एक तो जाणू होणगे और जाणू हो के साडा बहुत बड़ा शहीदां दा जिहड़ा ये साका है इतिहास है साढ़े बच्चे उन्होंने जानणगे। क्योंकि विद्वानों का कथन है कि जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास में भुल जांदियां वो कौमां ज़्यादा चिर नहीं चलदियां। साडा इतिहास जरा जरा शहादतों के नाल भरिया होया है, चाहे वो किसी भी हुकूमत के नाल मत्था लाया होवे, चाहे स्वतंत्रता संग्राम होवे आजादी की लड़ाई होवे, चाहे बाबर की लड़ाई होवे, चाहे जाबर की लड़ाई होवे, चाहे मुगलों की लड़ाई होवे, उस दे विच सिखां दा इतिहास जिहड़ा है खून दे नाल रंगिया होया इतिहास है। अज दे बच्चे उस तों जाणू होणगे अते उस तो पूरा लाहा प्राप्त करे अपना मान सम्मान प्राप्त करे। जड़िया कौम अपने इतिहास में भुल जाएँ आप जी ने देखा होगा आ जोड़े आप जी के शहर के लोहा कुटन वाले एक बैठे हैं ना लोह बढ़ाइए ये बड़े बड़े इन्हों का इतिहास पढ़ के देखे जाए महाराजा राणा प्रताप के खानदान है उसकी बरादरी के है पर अपने इतिहास में भुल गए। पहरावा देखो इन राणिया वर्गा लेकिन अपने इतिहास में भुल के अज लोहा कुटते फिरते हैं। इस वास्ते बहुत वड्डी साडी बेनती है सिख संगतां दे अगे कि छोटिया बच्चों रोज कहानियां गुरु महाराज जी दियां सुनाईयां जाण, शहीद सिंघां दियां सुनाईयां जाण, कहानियां जिन्हां सुन के बच्चे साडे जिहड़े हन उह अपना गर्व दे नाल सिर उच्चा करन अते इस दुनिया दे उत्ते अपना नाम चमकाउण। आई हुई कमेटी का टीम का बहुत धन्यवाद है, PTC न्यूज़ वालों का बहुत धन्यवाद है जेडे चंगे तरीके दे नाल इस नूं अपने रील दे विच पेश करके सिख संगतां नूं दर्शन कराउणगे। होर आई हुई संगत जिहड़ी है आए हुए प्रबंधक जिहड़े जिन्हां ने इहदे विच ड्यूटी निभाई है सवेर तों आण के ड्यूटी निभा के ते अपना जीवन सफल कर रहे हैं जी आया धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हंसना नहीं आप बताए जिला खान जोर से बोलो। मैं जिला मुस्लिम जैदी मैं जिला मुस्लिम जैदी आई एम तासीफ खान आई एम सुबह मुस्लिम।
जोर से बोलो, आई एम राजविंदर कौर है ना? आई एम राजविंदर कौर, आई एम दीपाली सिंह, आई एम नीति सिंह, आई एम यशला, आई एम मुस्कान मिश्रा। बेटे आपने ये पुस्तक पढ़ी, आपको इसमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी जैसे चले आप समानता का जो रखती भेदभाव। आपको क्या प्रेरणा मिलती है ऐसे? और आपको ये आपने तो पुस्तक पढ़ी है, आपको क्या प्रेरणा मिलती है इसमें? प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को मेहनत करना है और हमारे गुरुओं ने जो बलिदान किया उसको याद रखें और इतिहास के इतिहास को समझते हैं। इतिहास को समझते हैं। आपका बेटा क्या है? तौसीफ खान। आपने ये पुस्तक पढ़ी, क्या प्रेरणा मिलती है? हमें से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गुरुओं की तरह निडर होना चाहिए और हमें इसके साथ ही इतिहास को भी याद रखना चाहिए। आपने को क्या प्रेरणा मिलती है स्कूल में? हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हमने इतिहास पढ़ा और ये जाना कि हमें गुरुओं की तरह निडर रहना चाहिए और बलिदान देना चाहिए, देश में अपना योगदान, और देश में अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा, तो आपने ये पुस्तक पढ़ी जी? हाँ जी। आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हर सिख अपने गुरुओं को फॉलो करें और उनके द्वारा बताई हुई बातों को माने और अपने धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। अच्छा, तो आप इस पुस्तक के कोई नॉलेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना, किसी को संदेश को देना चाहते हैं सामाजिक एकता के लिए? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहे, कोई किसी से कोई भेदभाव न करे, भाईचारे के स्तर है, सभी एक कदम होते हैं। कुमार तिवारी, और हमने पुस्तक पढ़ी है, इसमें गुरुओं के विषय में बताया गया है। हमारे गुरु बहुत निडर थे, अपने धर्म को बचाने के लिए बहुत से बहुत अपना बलिदान दिया और उन्होंने समाज को भी सुधारा, समाज को अच्छी अच्छी बातें बताई जिससे हमको सीख लेनी चाहिए, हमारा समाज सुधरेगा। ये प्रतियोगिता हो, एक महान बड़ी प्रतियोगिता हुई है और इससे समाज को अच्छी सीख मिली है। आपको क्या संदेश देना है समाज के लिए? समाज के लिए संदेश यही है कि हमारे गुरुओं के गुरुओं ने जो हमको बताया कि इस रास्तों पर हम चलें और निडर बने, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना। आगे आपका क्या सुझाव है, आगे ऐसे प्रतियोगिताएं होती रहें या ना हो? आगे अगर ऐसी प्रतियोगिताएं होती रही तो हमारा समाज सुधरेगा और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको भी इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? निरंजीत। अच्छा, तो बड़े पुस्तक पढ़ी, इन्हें क्या की प्रेरणा मिलती? सानू ये प्रेरणा मिलती है कि सानू अपने सिख इतिहास के नाल जुड़ के रहना चाहिए है, इस लहर नाल साढ़े सिख इतिहास के नाल टुटे हुए नौजवान बच्चा इस लहर नाल जुड़न का सुनहरी मौका मिलिया। तो इसके लहर बहुत बढ़िया है, इस लहर विच हर हिंदू मुसलमान बच्चा भी भाग लैन का सुनहरी मौका मिले। की नाम बेटे? जगजीत। अच्छा, तू ही पुस्तक पढ़ी बेटे? अच्छा, की सुझाव तुम मिलता है इस पुस्तक के विच? सानू यह पुस्तक ने सुझाव मिलता है कि सानू सिख इतिहास के नाल जुड़ के रहना चाहिए। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी चलाई है बहुत ही वधिया है और साढ़े बच्चा बुजुर्ग फतेह सारे बच्चे ये गुरु रामदास विद्यालय के बच्चे ने, मैं उत्थे पंजाबी का अध्यापक हाँ। जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा ये चौथी लहर चलाई जा रही है सिखी इतिहास के नाल, उसके नाल बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। जो बुक अवेलेबल करवाइया ने उन्हें इतने सारे ही जोनों में उन्होंने प्रेरणा लेके गैर सिख बच्चे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही बच्चों ने पार्टीसिपेट किया है। यहोजा अगर प्रोग्राम हर जगह हर क्षेत्र में होंगे रहता है तो सिखी स्वरूप को आप बिल्कुल अगे लैके आ सकते हैं। गुरु जी ने पहला ही इस चीज़ को खत्म कर दिता है कि भेदभाव जाता उदार, क्योंकि श्री हरिमंदर साहब जी की नींह मियाँ मीर तो रखवा के गुरां ने तो यह समानता का भेद समानता ही सिख धर्म में शुरू तो ही कि उपदेश चौ वर्णा को सांझा, कोई हिंदू मुस्लिम आवे सिख आवे सारे ही वास्ते सांझा स्थान है। इस करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना है भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी का। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु। हम कभी नहीं करते हैं, हमें है आशीर्वाद मिला, नेकी पर हम चलते हैं, बड़ी से हम रहते हैं, देश सेवा का व्रत हमने लिया। ओ बाबे के बच्चे हैं, बाबा जी ने सबक बताया, सबको मिल रहना सिखलाया, ज्ञान की ज्योति जलाई है, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। हमें नफरत को मिटाएंगे, प्रेम भाव फैलाएंगे, जाति पात की तोड़ दीवारें आगे बढ़ते जाएंगे। हमें है आशीर्वाद मिला, बाबे के किसान है, हम बच्चे पहचान है, हमें इस पर अभिमान है, नेगी पर हम चलते हैं, बागी से हम रहते हैं।